राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है दिन थर्सडे, हमारा कृष्णा जा रहा है स्कूल, तो मैं उसके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और लंच में मैंने बनाए हैं उसके लिए मिक्स वेजिटेबल। देखिए किस तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग बना रही हूँ क्योंकि मैं उसे, और सुबह के उसके नाश्ते की पूरी तैयारी हो गई है। झाड़ू अभी सिर्फ थोड़े बीच में लगी है, थोड़ी जगह में, क्योंकि अभी सुबह बहुत जल्दी रहती है तो मैं किचन में लगा देती हूँ और आधे बरामदे में लगा देती हूँ बाहर। बाकी पूरे घर में झाड़ू जब ये कृष्णा चला जाएगा उसके बाद पहले चाय पीऊंगी बैठ के, उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। फिर सुबह सुबह भी इतनी जगह में लगा पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता फिर। और वहाँ सो रही है माँ जी और ओम सो रहा है अंदर, और ठाकुर साहब चले गए हैं क्योंकि आज उनकी उनको थोड़ा काम था, उनको तो रोज डेली ही काम होता है तो इसलिए वो तो चले गए हैं। वो आज सुबह बहुत जल्दी चले गए थे, हम तो सो रहे थे उससे पहले चले गए थे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं आज सब्जी किस तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए सारी सब्जियाँ मैंने अलग फ्राई करी हैं, ये गोभी, गाजर, मटर, और इसमें थोड़ा सा बांकला भी पड़ा हुआ है। और इधर हो रहे हैं मेरे आलू फ्राई। आजकल आलू एकदम कच्चे आ रहे हैं तो वो जल्दी से घुल जाते हैं, तो मैं उनको अलग रखती हूँ और सब्जियाँ थोड़ा सा टाइम ले रही हैं गलने में। ये देखिए ये हैं आलू, आलू को इधर फ्राई किया मैंने, ये भी लगभग गल चुके हैं लेकिन अभी मटर नहीं गली है इसीलिए मैंने इन सबको अलग अलग किया है। आलू तो गल जाते हैं बहुत जल्दी, आलू गल गए हैं, अभी इन्हें मिक्स कर दूंगी एक साथ ही। और वहाँ मैंने बना लिया कृष्णा के लिए चाय क्योंकि नहा के जा रहा है, और मेरी ये चाय रखी है, माँ जी को चाय दे आई हूँ, बाबा जी को दे आई हूँ। और सब्जी के लिए हरी मिर्च और धनिया काट लिया मैंने, और आटा लगा लिया है, सबके लिए रोटियों का लगाया लेकिन कृष्णा के लिए पूड़ियों की ये लोई बना के रख ली है मैंने। तो कृष्णा मतलब लंच में ना या तो रोटी ले जाएगा तो सिर्फ उड़द की दाल के साथ ले जाता है, उसके लिए पूड़ियाँ बनानी पड़ती हैं क्योंकि रोटी तो उसको सिर्फ उड़द की दाल के साथ ही अच्छी लगती है। बाकी कोई भी सब्जी उसके साथ ही आते, पूड़ी या फिर पराठे, पराठे भी कम पसंद करता है ठंडे, तो मैं उसके लिए तो फिर ज़्यादातर पूड़ियाँ ही बनाती हूँ, लेकिन बना देसी घी में देती हूँ क्योंकि डेली डेली कुछ भी सही नुकसान तो करता ही है, सब कुछ ही नुकसान करता है डेली, तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं रहती। लेकिन वो ज़्यादा ज़्यादा दो खा के आएगा, रखूँगी मैं चार, इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी दो पूड़ी भी खा के आएगा बस, और घर में रहेगा तो सारा दिन खाएगा। और जब स्कूल जाता है ना तो चार दिन में इस लड़के में कम से कम 3 किलो वजन कम हो जाता है, मैंने ऐसे मेरा कम हो तो कितना अच्छा लगे, लेकिन हमारा तो कम होने का नाम ही नहीं है, बढ़ जाएगा लेकिन घटेगा नहीं बिल्कुल भी। चलिए अब इसका फटाफट से लंच तैयार कर देती हूँ, उसके बाद लेती हूँ फिर आपसे, और चाय पी लीजिए आ जाइए। एक खा लेना बेटा, तू बस तुझसे तो खाने की पूछना ही बेकार है, हवा पानी सूंघ के रहता है क्या पता नहीं, हवा से रहता है ना तू, कुछ भी कह लो
थैंक यू मुझे नहीं मिला था बेटा, रात मेरे पापा के लिए भी बहुत ढूंढे थे। पानी कहाँ डालते रहते हो तुम लोग, 12 हैंकी में से मुश्किल से 3 हैंकी रखे हैं अंदर बस। अच्छा दूध चाय तो पी रही है, नहा के आया है, फिर सर्दी हो जाएगी। थोड़ा सा अदरक लगा दिया मैंने दूध में। बाल बाल में तेल लगा लिया। ये रख दी मैंने गाय के लिए अलग, अभी एक और रखूंगी उसके बाद। और ये चाय ठंडी होगी तब पिएगा। आ जा रहा हूँ, चलिए। क्यों मेरे हाथ से टपक जाएगा, जल्दी आ, मेल्ट हो रहा है। सुना मुझे नहीं था, चार साइड में सुन जाएगी तो वाले अभी ठीक से सुखाई नहीं है, सर्दी हो जाती है फिर। ये देखिए माँ जी ले आई हैं दूध, क्योंकि ठाकुर साहब चले गए थे तो आज माँ जी को ही जाना पड़ा। और मेरी परी जग गई है और ये जा रहा है स्कूल, है ना रानी? हाँ माँ जी, इसने कोई सब्जी चेक नहीं करी, इसने एक टुकड़ा भी नहीं खाया। और मेरी क्यूटो पाई जग आई है ये। आप स्कूल कब जाया करोगे मेरी बाबू? जाए करेगा तो मम्मा को किसी करो, आपने गुड मॉर्निंग किसी नहीं करी। मम्मा मैंने चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया, अच्छी सब बढ़िया। चाय बहुत मीठी बनाए थे, ये अच्छी बनाओ ढंग की। अब कम मीठी बनाए, चलो बना रहे हैं। पर आप भी पियोगे चाय, दूध पियोगे, चॉकलेट खाओगे, क्या करोगे? तो कुछ भी नहीं। ठीक है तो चलो, तो चाय बना लें। चाय मन कर रहा है, वो दौड़ते भागते चाय में स्वाद नहीं आया, वो अच्छी नहीं बनी। नहीं चाय तो अच्छी थी, आपकी में मीठा ज्यादा हो गया था। अब मेरी तो ठीक ही थी ना, तो मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन दौड़ते भागते मेरा नहीं आया। चलो चाय, एक चाय और बना लें। कृष्णा बस लेट कैसे हो रही है तेरी? चलिए अब बना लेते हैं चाय। और ओम का गेम शुरू हो गया, उन्होंने भी अपने टी पॉट निकाल लिए। अरे मम्मी बना रही है चाय तो हम भी बनाएंगे चाय।
आप सबके लिए। माँ जी नहा रही है, माँ जी नहा लेंगी तब तक मेरा खाना बन जाएगा। फिर मैं इसको भी नहला दूंगी, ओम को भी, क्योंकि यही रह गया है बस नहाने के लिए। यही रह गया नहाने के लिए, बाकी सब नहा लिए, बाबा जी भी नहा लिए, मैं भी नहा ली और माँ जी नहा के आ जाएंगी तो वो भोग लगा देंगी, तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। सब लोग खाते जाएंगे। कृष्णा के ओम के लिए चावल बनाए हैं और इसके लिए बाकी सबके लिए तो मिक्स सब्जी बनी थी। बेटा नेटवर्क इशू हो गया, कुछ सैटेलाइट प्रॉब्लम हो गई है। मम्मी जीत तो जाएंगे। चलिए अब मिलूंगी मैं आपको खाना वाना खाने बनाने के बाद। पहले रोटियां बना लेती हूँ। ये देखिए शाम के बज रहे हैं 7:15 और 6:15 मेरी एलवी खत्म हुई थी। आज एलवी थोड़ा ज्यादा टाइम तक चली क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आए थे और बड़ा मजा आया आज एलवी में। हंस हंस के पेट में दर्द हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग आए थे और सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो काफी देर हो गई, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गई थी मेरी, फिर एलवी उनकी वजह से। लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है शायद, अब आएगी 1-2 घंटे बाद तब देखेंगे। तो मैंने होली मैया बना दी हैं और दीपक माजी गई हैं बड़े मंदिर पे जलाने, घर पे मैं जला लूँगी। जला दिया माजी ने क्योंकि मेरी 15 मिनट एलवी लेट हो गई थी ना, तो माजी ने जला दिया, उसी वही टाइम दिया बत्ती का होता है क्योंकि। और आज बर्तन वर्तन नहीं है किचन में ज़्यादा क्योंकि मैं बीच में साफ कर गई थी बर्तन को, और फिर उसके बाद किसी ने कुछ खाया भी अभी नहीं है। अगर कुछ खा पी लेते हैं बीच में तो हो जाते हैं बर्तन भी ज़्यादा। और वहाँ पे ओम देख रहे हैं टीवी, अब ओम मांग रहा है दूध तो मैं उसे दूध दे देती हूँ। और ये देखिए आपको होली मैया दिखाती हूँ आज की अपनी, बस थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है कल से। ये देखिए आज की डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है कल से, थोड़ी सी अलग है आज की डिज़ाइन। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, बस बीच वाला चीज़ एक जैसी रखती हूँ और वैसे डिज़ाइन चेंज करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ बदलते रहना। चलिए अब बनाऊंगी किचन में मैं दाल रोटी, आटा लगा के रख दूंगी, दाल बना के रख दूंगी। अभी ठाकुर साहब नहीं आए हैं, हाँ आपके लिए अभी ला रही हूँ, ओम खाना मांग रहा है तो उसे दे दूंगी और बाबा जी को खिला दूंगी बस बना के। ये अभी आए नहीं हैं, ये आ जाएंगे तब बाकी सबके लिए बनाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो का करती हूँ एंड। और जो भी मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन। सभी को राधे राधे।